हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अपडेट में। आज की जो वैकेंसी है AIESL के तरफ से निकल के आ रही है, जिसमें डिप्लोमा BBTech ITI फ्रेशर बिल्कुल ही अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी रहने वाला है, ऑलमोस्ट इसमें सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी रहने वाला है, बिल्कुल ही लेटेस्ट एंड ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। इस चैनल के माध्यम से टेक्निकल फील्ड में आने वाली सभी जॉब अपॉर्चुनिटी को मैं प्रोवाइड करता हूं। यदि आप भी चाहते हैं किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, एंड बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको पल पल जॉब अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए हम इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं। ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, जो बिल्कुल ही टेस्ट में जारी किया गया है। यहाँ पर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। मेंटेनेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर वैकेंसी रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का ब्यौरा दिया गया है, ब्रांच वाइज वैकेंसी नीचे मेंशन किया हुआ है। एज पर रूल्स आप अपने हिसाब से इसको रीड करके अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल शॉप्स रहने वाला है। एयरक्राफ्ट एंड इंजन्स के रिगार्डिंग आपका जॉब रहने वाला है। इसमें देख सकते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, इसमें आप एलिजिबल हैं, या आपके पास मैकेनिकल में डिप्लोमा है फिर भी इसमें आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एंड OBC के लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, एंड अदर कैटेगरी SC ST PW एंड फीमेल के लिए देख सकते हैं 55 मिनिमम परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए। और यदि आपके पास अप्रेंटिसिप है तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास अप्रेंटिसिप नहीं है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं है। और अप्रेंटिसिप के अलावा यदि आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो आप इसमें बिल्कुल ही एलिजिबल है। यहाँ पर देख रहे हैं अप्रेंटिसिप करने का कितना अच्छा खासा बेनिफिट्स मिला है, एज ए एक्सपीरियंस 1 साल का काउंट कर लिया जाता है। यदि आपका भी अप्रेंटिसिप में कहीं पर सिलेक्शन होता है तो जरूर से जरूर कीजिए। और भी यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी रखा गया है। इसमें इलेक्ट्रिकल बालों के लिए वैकेंसी रखा गया है, एज पर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसिप मांगा गया। यदि आप इसमें एलिजिबल हैं फर्दर आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के प्रोसेस की बात करें तो इसका देख सकते हैं डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, या इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया हुआ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारी चीज़ आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल एंड OBC के देख सकते हैं 1000 रुपीज़, एंड SC ST PW कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं 500 रुपीज़ रखा गया। आपको पेमेंट किस तरह से करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं HDFC बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ब्रांच दिया गया है, तो इसी पर आपको पे करके इसका जो रेफरेंस नंबर होता है या UTR नंबर होता है उसको आपके अपने फॉर्म में फिल कर देना है। सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ। सिलेक्शन प्रोसीडियर की बात करें तो आपका जो सोली सिलेक्शन होने वाला है पर्सनल इंटरव्यू बेसिस पर होने वाला, इसका वेन्यू आपको फर्दर नोटिफाई कर दिया जाएगा। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन में 100 वैकेंसी रखा गया है। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एवोनिक्स में यहाँ पर देख सकते हैं 40 वैकेंसी रखा गया है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ इंटरव्यू आपका देख सकते हैं 1 जून रहने वाला है। इंटरव्यू का वेन्यू आपको फर्दर नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करते रहिए, आपको वहां पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाना है तो यहां पर मेंशन किया हुआ है। इन सारे डॉक्यूमेंट को आप अपने हिसाब से एक बार रीड करके इसका फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल आपको इंटरव्यू वेन्यू पर सबमिट करना है। आप अपने हिसाब से इसको रीड कर सकते हैं। जो भी इसमें एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अप्लाई करिए। इसमें सैलरी आपको काफ़ी अच्छा खासा पे किया जाएगा। टेक्निकल फील्ड में कोई सा वैकेंसी आता है मैं उसको मिस नहीं करता हूँ। यदि आप भी चाहते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। यदि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको इस ऑफलाइन फॉर्म को ड्यूली फिल करके लेके जाना है। इसमें बिल्कुल ही बेसिक सा डिटेल्स है, कोई इशू नहीं होने वाला, आपका पर्सनल डिटेल्स रहने वाला, आप अपने हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अप्लाई करिए। टेक्निकल फील्ड का कोई सा वैकेंसी मैं मिस नहीं करता हूँ। यदि आप भी चाहते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें।